हाय, आप देख रहे हैं खबर हिस्ट्री और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए कहानी रानी लक्ष्मीबाई की। ऐसी कहानी जो आपके आपको चौंका देगी। वो कहानी है एक अंग्रेज की जिसने रानी लक्ष्मीबाई को साक्षात देखा और उनसे बात की। ऐसा एक ही अंग्रेज माना जाता है इतिहास में जिसने रानी लक्ष्मीबाई से इतनी करीबी से बात की। उनकी सुंदरता का, उनके चेहरे मोरे का, उनके व्यक्तित्व का वर्णन अपनी किताब में किया। किताब का नाम था वांडरिंग्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, कौन था ये? जॉन लैंग नाम का ये वकील था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और वो केसेस की तलाश में इंडिया में घूम रहा था। और उसने इंडिया में घूमने पर जो किताब लिखी, उसी किताब वांडरिंग्स ऑफ इंडिया में वो जिक्र किया रानी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व का। हुआ ये कि रानी लक्ष्मीबाई को 28 अप्रैल 1854 में डलहौजी ने, जो एलिस था उनका सेनानायक, उसके जरिए खबर भिजवा दी थी कि आपको 60,000 रुपये की पेंशन पे रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो दत्तक पुत्र गोद लिया था अपने पति गंगाधर राव की मौत के बाद, उसको अंग्रेजी सरकार ने मान्यता नहीं दी और कहा कि आपको पेंशन पर रहना पड़ेगा और अंग्रेजी सरकार झांसी के राजपाट को संभालेगी। रानी को ये मंजूर नहीं था। रानी ने अपने लोगों से सलाह की तो जो उनके वित्त मंत्री थे और उनके जो कानूनी अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि इसकी अपील, जो गवर्नर जनरल ने फैसला लिया है, इसकी अपील अंग्रेजी कोर्ट में लंदन में हो सकती है और इसके लिए आपको कोई अंग्रेजी वकील करना पड़ेगा। तो रानी को पता चला कि जॉन लैंग नाम का वकील अभी भारत में है। उन्होंने संपर्क किया, पता चला वो आगरा में है। आगरा में उनको सोने के पत्र पर एक लेख लिखकर, एक लेटर लिखकर रानी ने बुलवाया और जब वो आया तो उसने पूरी जिक्र जो है अपनी किताब में किया है, पूरी यात्रा का जिक्र कि कैसे वो आया तो बहुत भारी भीड़ थी, उसके जूते उतरवाए गए और अंदर ले जाया गया। और जिस कमरे में रानी की मुलाकात जॉन लैंग से हुई, उस कमरे में बीचों बीच एक पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के पीछे रानी, रानी की सेविकाएं और उनका बेटा दामोदर राव था और इधर जॉन लैंग अकेले बैठे हुए थे। तो जॉन लैंग से जो बात हो रही थी रानी की, वो पर्दे के पीछे से हो रही थी। अचानक होता यह है कि जो दामोदर रानी का बेटा था, वो पर्दा हटा देता है। कुछ सेकंड्स के लिए पर्दा हटता है और इतनी देर में जॉन लैंग रानी को देख लेता है। उसके बाद जॉन लैंग कहता है, उसने किताब में भी लिखा है ये बात, कि मैंने रानी को बोला कि अगर आप एक बार गवर्नर जनरल से सीधे मिल लेती, साक्षात मिल लेती, तो आपकी खूबसूरती देखकर गवर्नर जनरल आपको वैसे ही झांसी दे देता। हालांकि बात उसने मजाक में बोली थी। रानी ने इस मजाक को बड़े ही ग्रेस के साथ लिया और फिर बात की कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे इस केस को लड़ सकते हैं, क्या हमारे फैक्टर्स हैं सारे, और अपनी तरफ से सारे तथ्य बताए गए जॉन लैंग को। जॉन लैंग ने अपनी किताब में फिर रानी के बारे में लिखा है कि रानी का चेहरा गोल था, रानी बहुत गोरी नहीं थी लेकिन सांवली से बहुत साफ कलर था उनका, रानी की नाक बहुत लंबी थी, पैनी थी। और उन्होंने बोला कि रानी का जो कपड़े थे वो मलमल के कपड़े थे और रानी ने केवल एक ज्वेलरी पहन रखी थी, केवल ईयर रिंग पहन रखे थे। रानी वैसे बड़ी सादा थी लेकिन उनका व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली था। उनकी जो आवाज़ थी वो फटी हुई थी, रुआसी जैसी आवाज़ थी और रानी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। खास बात ये थी कि उन्होंने कहा कि रानी काफ़ी इंटेलिजेंट थी और बहुत हद तक बहुत दृढ़ थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जॉन लैंग ने सारी बातें लिखी। उसके बाद जब जॉन लैंग विदा हुए तो उनको एक हाथी और एक ऊँट भी गिफ्ट में दिया गया और जॉन लैंग ने जाके वो मुकदमा लड़ा। बाकी की कहानी सबको पता है कि उसके बाद मुकदमा रानी जीत नहीं पाई और उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, रानी वहाँ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये वो कहानी थी कि कैसे एक अंग्रेज ने रानी से मुलाकात की और बाई चांस रानी के बेटे ने वो पर्दा हटाया और उनको सीधे देखने का मौका मिला। हालांकि जॉन हैमिल्टन और कैनिंग ने भी रानी के बारे में लिखा है और बताया कि कैसे वो मर्दाना ड्रेस पहनती थी जब दरबार में होती थी, तो इसका मतलब साफ है कि उन लोगों ने रानी को इतने करीब से नहीं देखा जितना जॉन लैंग ने देखा होगा या उन लोगों ने सुना होगा। लेकिन जितने विस्तार से जॉन लैंग ने अपनी किताब वांडरिंग्स ऑफ इंडिया के में जिक्र किया है, वो जिक्र किसी ने रानी के बारे में ऐसा नहीं किया। तो आप अगर हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, बेहतरी से जानना चाहते हैं, तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। और इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ इतिहास से जुड़ी, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़ी, ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी, आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू।